हेलो गाइस, दिस इज राहुल भैया और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एआई का सेशन फोर। हमारी जो यूनिट वन है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, उसका हम सेशन फोर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा एआई एथिक्स। और आज हम इसको पढ़ेंगे और आज इसको हम खत्म कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अपनी पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो आप उनको भी पहले देख लीजिएगा। और एक जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि वो क्या करते हैं, वो एआई को लाइट में लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड उसको लेते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग का फील्ड सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी बीसी वगैरह कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ना आपको इन एआई के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको एआई को बिल्कुल भी स्लाइटली नहीं लेना चाहिए ना, बिल्कुल भी इसको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और आपको एआई को रेगुलरली पढ़ना चाहिए, एक दो दिन छोड़ के आपको इसको पढ़ना चाहिए, प्रॉपर इसकी रिविजन्स करनी चाहिए। तो गाइस, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन फोर जो कि है एआई एथिक्स। तो आज हम बात करेंगे एआई के एथिक्स के बारे में, है ना। तो पता है कई बार क्या होता है कि एआई में ना कई सारे इश्यूज आते हैं, तो उनके इश्यूज के बारे में बात करेंगे और इसके हमें क्या क्या एथिक्स है। तो पहले हम बात करें एथिक्स क्या होता है। एथिक्स यानी कि शिष्टाचार, है ना। हम बात करें शिष्टाचार की, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो अंधा है, तो हमें क्या बोला जाता है कि उसको कभी भी अंधा कहकर के ना पुकारें हम, है ना, है ना। अगर कोई इंसान, मान लीजिए कोई इंसान बैसाखी लेके चलता है, बैसाखी मतलब कि जिसके पैर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सपोर्ट लेके चलता है, तो उसको हम कभी लंगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं कि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर ऐसे जो शिष्टाचार हैं काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको हम उनके लिए यूज़ करते हैं, है ना, उनको इंडिकेट करने के लिए। हम ऐसे नहीं कहते कि लंगड़ा अंधा, ऐसी चीज़ें हम नहीं कहते। तो वो क्या है शिष्टाचार हमारे, जैसे हमें कोई बड़ा बुजुर्ग मिले तो हम क्या कहते हैं उनको, नमस्ते, प्रणाम, राम राम, ऐसी सारी चीज़ें हम उनको बोलते हैं, है ना, उनको ग्रीट करते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे एथिक्स, है ना, एथिक्स यानी कि शिष्टाचार। अब ऐसे ही एआई में कुछ एथिक्स हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है एथिकल इश्यूज अराउंड एआई। तो हम बात करें अगर एथिकल इश्यूज अराउंड एआई की, सबसे पहले बायस एंड फेयरनेस। अब जो हमने एआई सिस्टम बनाया है, जो हमारा मॉडल है, जो हमने ड्रॉ किया है, मॉडल बनाया है कोड करके, तो वो जो मॉडल है ना, उसमें एक जो सबसे मस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो सिस्टम एकदम भी बायस नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ एकदम फेयरनेस उसमें होनी चाहिए। अब ये बायस और फेयरनेस क्या होते हैं? बायस का मतलब होता है कि एक तरीके से पक्षपात, जैसे कि आपने कभी कई बार होता है, आपने देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको पक्षपात करते हैं, उसी को बोलते हैं बायस। ऐसी बात करें अगर फेयरनेस की, तो फेयर यानी कि एकदम न्याय, है ना, क्या हो गया, एकदम फेयरनेस मतलब कि एकदम न्याय। तो अच्छा, अब हम बात करें उसकी एग्जाम्पल, इसको थोड़ा और ब्रीफली समझते हैं। तो एन ए सिस्टम डिजाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम। अब हमने क्या किया, हमें बनानी है क्रिकेट टीम, और उसके हमने क्या किया कि ए सिस्टम यहाँ पे मॉडल हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल ना एकदम प्रॉपरली एकदम फेयर तरीके से बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या करे कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो हिंदू है ना, इंडिया में कौन कौन हो सकता है क्रिकेट प्लेयर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, या फिर सिख। अब उसने क्या किया, मुस्लिम्स को लिया, क्रिश्चियंस को लिया, सिख को लिया, हिंदू को नहीं लिया, है ना। हो सकता है ऐसा, अगर वो बायस सिस्टम है ना, अगर मान लीजिए कि उसने हिंदू को लिया, मुस्लिम्स को लिया, क्रिश्चियन को लिया, पर सिख को नहीं लिया, तो ये क्या हो गया, ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं बायस। लेकिन फेयरनेस क्या होगा कि वो सब में से ले, जो बेहतरीन खिलाड़ी हो वो उसको ले, ना कि ये देखे कि उसकी रीजन क्या है। जैसे कि हम बात करें अगर, हाँ, तो उमरान मलिक के साथ हमारे काफ़ी फेमस बॉलर हैं, और फेमस और होनर बोल रहा है शायद, उनका नाम मुझे कन्फर्म तो नहीं पता, पर शायद उमरान मलिक है ना, आईपीएल में खेलते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कश्मीर से, मुस्लिम है ना, तो हमें इनके खिलाफ पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमें दिल्ली देखना चाहिए कितने टैलेंटेड हैं। ऐसे ही मोहम्मद सामी, मोहम्मद सामी जो है क्या है, वो काफ़ी टैलेंटेड है कि नहीं, तो हमें इनके अगेंस्ट यहाँ पर पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो एन ए सिस्टम डिजाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम मस्ट नॉट बी बाइज्ड अगेंस्ट एनी रिलीजन, कास्ट, कलर, या फिर यहाँ पे रिलीजन दो बार हो गया, तो इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, है ना। तो जो सिस्टम उन्होंने ड्रॉ किया है, बनाया है, वो किसी रिलीजन के बेस पे बायस नहीं होना चाहिए, किसी कास्ट के बेस पे, या फिर किसी कलर, कलर नहीं, गोरा काला, इन चीज़ों पे वो बाइज्ड नहीं होना चाहिए ना, वो एकदम फेयरली वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, बायस एंड फेयरनेस, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब आगे आता है जो हमारा ए सिस्टम है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट इन द सेंस,
वो एक जैसे वर्क कर रहा है, एक ही चीज लोगों को प्रॉपरली देखनी चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं रहना चाहिए, है ना। जरा इसकी हम बात करते हैं जरा। तो देखिए हम बात करें ट्रांसपेरेंस की, तो इसमें क्या है, एन एआई मॉडल, एन एआई मॉडल इस शुड बी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो भी टास्क वो कर रहा है वो उसमें इजीली एक्सप्लेनेशनेबल होनी चाहिए, उसमें इजीली विजिबल होने चाहिए कि वो कैसे कर रहा है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर देगी वो कैसे हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और एआई मॉडल जो है वो ट्रांसपेरेंट जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि उसने क्या किया, एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर दी, अब जिसमें उसने क्या किया, उसने सेक्स के बेस पर उन्होंने वहाँ पे क्या, क्रिकेट टीम नहीं, मान लीजिए कि हमें एक ऑफिस में, ऑफिस में तो उसने क्या किया, वहाँ पे जो लोगों का जेंडर है या फिर सेक्स के बेस पर उसने क्या किया, उसने मेल्स को लिया और फीमेल्स को नहीं लिया। अब उसने मेल्स को तो लिया, फीमेल्स को नहीं लिया, तो ये एक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। अगर हमें ये चीज़ विजिबल नहीं होगी तो हम ये तो पता नहीं लगा पाएंगे कि वो बायस है कि नहीं, फेयरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है हमारा एआई मॉडल वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट थर्ड, सेफ्टी। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई टूल्स शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू डेटा एंड पीपल। अब पता है जो हमने एआई मॉडल ड्रॉ किया है, बनाया है, जो हमने जब उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो पता है क्या करेगा, हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स देंगे, प्रॉम्प्ट्स रहेगी वहाँ पे, उससे हम बातचीत करेंगे या फिर जो भी हम उससे करवा रहे हैं वो करेंगे, वो करेगा मॉडल, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा वहाँ पे सेव होगा। अब वो जो डेटा वहाँ पे सेव हो रहा है ना, तो उस डेटा का मिसयूज ना कर पाए कोई, है ना। अगर उस डेटा का मिसयूज किया जाएगा तो उससे हमें ब्लैकमेलिंग के लिए या फिर कई सारी चीज़ों के हमें उसके लिए उस डेटा को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उस डेटा की सेफ्टी एकदम होनी चाहिए। अगर वो डेटा जो है गलत लोगों के हाथ में लग गया तो वहाँ पे क्या होगा, उस डेटा से क्या होगा, वो हमारे जो प्रोफाइल्स हैं उन पर अटैक करेंगे, है ना, हमारी जो पर्सनल लाइफ उस पर अटैक करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और हमें हो सकता है ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो एआई मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो किसी को भी किसी को हार्म पहुँचाए नहीं, किसी को भी हार्म वो नहीं पहुँचाना चाहिए। अब पता है नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड मेलिशियस यूज़। अब यहाँ पे क्या है कि पता क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी, अब जो हम एआई मॉडल बना रहे हैं वो पता क्या है, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और मेलिशियस उसका होना चाहिए। तो इसकी हम बात करते हैं, एआई यूजेस बिग डेटा सेट्स, यानी कि एआई जो होता है ना, एआई मॉडल जो बनाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें ना बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स, यानी कि मान लीजिए कि उसमें ना बिलियंस ट्रिलियंस लोगों का डेटा होता है ना, बिलियन ट्रिलियंस उसमें एंट्रीज होती हैं, तो इतने बड़े डेटा सेट्स को वो कंटेन करता है और इसको स्टडी कर पाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो टू डिटरमाइन फ्यूचरिस्टिक थ्रेट्स एंड चेक सिस्टम वल्नरेबिलिटीज। अब जो एआई सिस्टम होता है वो क्या करता है, एआई मॉडल उसको हम पता है एआई जो है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो कि जो हमारा सिस्टम है ना उसमें पता करेगा, मान लीजिए कि हमारी कोई कंपनी है ना, अब कंपनी में मैं बॉस हूँ और आप एम्प्लॉई है ना, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ना आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं अपना, और मैंने क्या किया उस आपसे, मैंने कहा कि आप एक ऐसा मॉडल डिजाइन करिए कि जिस एआई मॉडल डिजाइन करिए कि जिसमें कोई भी मेलिशियस, कोई भी वहाँ पे इशू आए हमारे सिस्टम के अंदर, कोई भी वल्नरेबिलिटी हो, तो उसका यूज़ करके कोई भी हैकर वहाँ पे अटैक नहीं कर पाए। तो आप क्या करेंगे, ऐसा एआई मॉडल डिजाइन करेंगे और जिससे कि हैकर वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पे वो कोई कमी रह जाती है और एआई हमें नहीं बताता है टाइम पर, तो हो सकता है कि उस कमी का यूज़ करके, उस वल्नरेबिलिटीज का यूज़ करके जो हैकर से वहाँ पे अटैक करते हैं और हमारा सिस्टम जो पूरा हैंग हो जाएगा। तो अच्छा बात है, इफ़ सच वल्नरेबिलिटीज आर अवेलेबल टू द हैकर्स देन चांस ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सिस्टम वुड राइज कंसिडरेबली। यानी कि ये वही बात होगी जो मैंने अभी कही है कि अगर हम उन वल्नरेबिलिटीज को चेक नहीं करते हैं, अब पता है अब इतनी जो सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसको चेक कर पाना इतना ईजी नहीं होता कि वहाँ पर कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। तो ये जो वर्क है ये ए आई के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और ए आई इसको प्रॉपरली कर भी पाता है, तो यहाँ पे ए आई मॉडल इसके लिए वर्क कर सकता है, ह्यूमंस के लिए बस की बात ये नहीं है। लेकिन अब वो यहाँ पे प्रॉपरली अपना टेक केयर करना चाहिए। अच्छा अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अबे ऑटोमेशन एंड इम्पैक्ट ओवर जॉब्स। अब जो एआई है ना, एआई उसका वो क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को लगभग ऑटोमेट करते जा रहा है। जैसे कि हम बात करें पहले क्या हुआ करता था, पहले ड्राइवर्स हुआ करते थे जो ड्राइव करते थे गाड़ियों को, है ना, के लिए। लेकिन अभी क्या है, अब एआई टेस्ला की कार्स आ गई हैं, वहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं चाहिए, टैक्सीज भी आ गई टेस्ला की, कोई ड्राइवर नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये ऑटोमेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही पहले क्या हो गया था, पहले बहुत से लोग कंटेंट राइटिंग करते थे, लेकिन अभी ये जो प्रोफेशन है वो एकदम खत्म होता जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी एंड बार्ड एआई। क्यों,
वहाँ पे आप सिंपली आपको बताना है कि मुझे इस टॉपिक पे ये चीज़ चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, वो आपको दे देता है। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन खत्म होता रहा है कि नहीं होता रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑटोमेशन हो रहा है। अब ये जो ऑटोमेशन हो रहा है, तो अगर ऑटोमेशन हुआ तो जो ह्यूमन से उनको तो रिप्लेस कर दिया जाएगा ना, जो वहाँ पे ह्यूमन काम कर रहा था। अब ह्यूमन जो कुछ पेमेंट ले रहा था, है ना, कुछ एक्स एक्स लैक्स रुपीज़ ले रहा था पर एनम के, है ना, एक साल के, मतलब मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए वो पर एनम की उसकी सैलरी थी किसी ह्यूमन की। अब एआई आया, अब एआई का उसने क्या किया, चैट जीपीटी का पेड वर्जन ले लिया। अब जो पेड वर्जन है वो इतना तो महंगा नहीं होगा कि उस 10 लाख रुपए पर उसके सालाना खर्च हो जाए, इससे तो काफ़ी कम ही खर्च होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 50-60 रुपये खर्च होंगे, या फिर मोस्ट मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपये। तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से ह्यूमन्स को रिप्लेस कर देते हैं और मशीन्स को यहाँ पे ले आते हैं। पर अब आप कैसे बच सकते हैं, अब अगर आपका फ्यूचर में गोल है कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर कुछ टेक रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है, तो अगर आपको कुछ करना होता है अपनी इंडस्ट्री चालू करनी, तो पहले आपको खुद काम करना होता है कहीं पे, है ना। तो अगर आपको ऐसा करना है, आप बनना चाहते हैं इररिप्लेसेबल, तो आपको कैसे बन सकते हैं, मान लीजिए कि आपका डोमेन, आपका जो एम है वो है गूगल को या फिर किसी बड़ी कंपनी को आपको ज्वाइन करना है ना। अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ऐसे स्किल करना है कि जिससे कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। अब ये कैसे होगा, आपको ना ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार स्किल सीख ली और वहीं बैठ गए, ऐसा नहीं, आपको समय के साथ में अपने आप को भी अपग्रेड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एआई तो आपको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये जो लिखा हुआ हुआ पूरा, आप उसको पढ़ लीजिएगा और अगर एग्जाम में आता तो उसको लिख भी दीजिएगा। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट। अब हमारा AI 22 एंड AI XS, तो 22 का मतलब क्या होता है, 22 मीन्स इंक्लिनेशन और प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट 1%, यानी कि 1% की तरफ कोई ज्यादा इंक्लिनेशन। और ये क्या होता है, एक अनफेयर प्रैक्टिस है, क्यों, क्योंकि 1% की तरफ आप ज्यादा झुके हुए दूसरी तरफ एकदम कम, तो ये अनफेयर है कि नहीं, है ना। अगर मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से वहां पर जो जज है वो एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुका हुआ हो और दूसरी तरफ एकदम ब्रो उसके अगेंस्ट में हो, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, क्या ये गलत बात है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि जो जज है वो है एक दोषी की साइड में और जो निर्दोष है उसका कुछ नहीं होगा। हो सकता है फिर अगर वो जज जो है वो अगर दोषी की साइड में है, तो जो निर्दोष व्यक्ति है जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय थोड़ी ना मिल पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम को कैसा होना चाहिए, अनफेयर होना चाहिए। अब हम जरा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। AI 22 कम्स इन रोल व्हेन AI प्रोग्राम्स टूल्स एंड एल्गोरिथम एग्जिबिट एनी काइंड ऑफ बायस, इट इज कॉल्ड AI 22। अगर कोई एल्गोरिथम टूल्स है प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टूल्स और एल्गोरिथम क्या होते हैं, ये होते हैं जो हम कोड्स लिखते हैं ना ये सॉफ्टवेयर को रन करने में, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो अगर इनमें कोई बायस होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, AI 22। डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा, और गाइस आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप इन्हीं को अपने नोट्स में ले सकते हैं, है ना। तो अगर कोई AI सिस्टम में बायस या फिर उसके प्रोग्राम की वजह से कोई बायस थिंग उसमें होती है, ऑब्जेक्ट होता चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, AI उसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग डेटा। अभी ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, अब पता है हमने जो AI मॉडल डिजाइन किया है, अब इसकी हम ट्रेनिंग भी तो कराएंगे जिससे आगे आके प्रॉपरली वर्क कर पाए। हमें पता है कि AI जो होता है वो कैसे वर्क करता है, वो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेता है और फिर खुद सीखते जाता है और आगे और अपने आप को बेटर बनाता जाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेटा। अब जब जो हमारा सिस्टम है इनिशियली हमने डिजाइन किया है और उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं ना, उसको ट्रेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, द यूज कलेक्शन ऑफ लेवल्ड इंफॉर्मेशन दैट इज यूज टू बिल्ड एन AI मॉडल इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। अभी लेवल्ड इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि वो जो डेटा है ना वो एकदम लेवल्ड डेटा है, लेवल्ड है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, इसका सिंपल इसी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डेटा विच इज यूज टू ट्रेन AI सिस्टम या फिर AI मॉडल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा, है ना। या फिर आप चाहें इस डेफिनेशन को याद करके आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने दिमाग में भी सोच के ये लिख सकते हैं कि ट्रेनिंग डेटा क्या होता है। ट्रेनिंग डेटा होता है द यूज कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज यूज टू ट्रेन AI मॉडल्स या फिर सिस्टम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है रीजंस फॉर AI बायस इन डेटा। अब पता है क्या इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, बायस के जो AI के अंदर बायस हो रहा है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है ह्यूमन बायस इन डिसीजंस। अब जो ह्यूमन है ना उसने क्या किया, डिसीजन में अपने में बायस कर रहा है ना, वो खुद पक्षपात कर रहा है,
तो वो जो मॉडल डिजाइन करेगा तो हो सकता है कि उसमें भी ऐसा कोई प्रोग्राम लिख दे कि जिससे वो बायस वहाँ पे आ जाए, तो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। ऐसी ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर। अब उसने क्या किया वहाँ पे, कोई स्पेशल फीचर है, कोई एक पर्टिकुलर फीचर है उसकी ना, उसने काफ़ी ज़्यादा उसको रिप्रेजेंटेशन किया उसका, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे बायस हो सकता है। ऐसी कुछ जो ए सिस्टम है उसमें हो सकता है कि कुछ वो गलत एनालिसिस कर ले। अब पता क्या होगा, जब ए सिस्टम और नया नया मॉडल होता है तो वो काफ़ी स्ट्रिक्स करता है। ऐसा क्यों? जब वो नया मॉडल है तो उसमें डेटा काफ़ी कम है, अगर डेटा लेस है तो वो सीखेगा भी कम, और सीखेगा कम तो वहाँ पे गलतियाँ भी उस पर हो सकती हैं। उसका जो लास्ट रीजन वो क्या हो सकता है कि अगर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है तो वो ये बायस वगैरह शो कर सकता है। अच्छा अब आता है, हमने देख लिया कि बायस क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, पर अब डेटा का जो फेयरनेस है उसकी हम जरा बात करते हैं। डेटा जो एकदम फेयरनेस मॉडल होगा उसकी हम जरा बात करते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, तो कलेक्टर्स शुड डू फेयर चेक ऑफ डेटा एंड देन मेक फेयर डिसीजंस। अब जो लोग मॉडल को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको पता क्या करना चाहिए, उसको पहले तो प्रॉपरली चेक करना चाहिए डेटा को, एंड उसको फिर क्या करना चाहिए, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन को लेना चाहिए। ऐसी जो नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्या है, एन ए मॉडल इज फेयर इफ द आउटपुट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसिटिव पैरामीटर्स। यानी कि कोई ए मॉडल जो फेयर कब होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हेन इज अ ए मॉडल इज फेयर, तो आप पता है वहाँ पे क्या लोगे, अब वहाँ पे लोगे कि वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट ना हो, है ना। जैसे कि मतलब रिलीजन पे, कास्ट पे, कलर पे, नेशनलिटी पे, है ना, जेंडर पे, अगर वो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या है, एक डेटा फेयरनेस है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है किसी भी तरीके के बायसनेस से। लेकिन अगर इन चीज़ों पे वो डिपेंड है, इन पे वो भेदभाव कर रहा है, तो वो जो हमारा सिस्टम वो कैसा है, एआई बाइज्ड है, वो बिल्कुल भी प्रॉपर ठीक सिस्टम नहीं है। उसको हमें अच्छे से उसको देखना चाहिए कि उसमें कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज आ रही है, जिससे कि उसको हम ठीक कर सकें। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ, अब इम्प्लीकेशन ऑफ बायसेस इन एआई टेक्नोलॉजी, है ना। तो अभी बायसेस है तो उसकी जरा हम कुछ पहले, मतलब अभी के समय में अब से जो पहले बायसेस हो चुके हैं जरा उसमें हम बात करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो यूरोप की जो गवर्नमेंट है, सॉरी यूएस की गवर्नमेंट, उसने क्या किया था, उसने एक सिस्टम डिजाइन किया था, जरा उसकी बात करते हैं, कंपास नाम का सिस्टम था वो। अब इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, करेक्शनल ऑफेंडर मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सेंक्शंस। अब पता है इसमें क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, ये यूएस गवर्नमेंट ने डिजाइन किया था और ये पता कराने के लिए कि कोई भी कैदी जो है उसके कितने परसेंट चांस है कि वो एक रिसिडिविस्ट बन जाए, ये उसने पता लगाने के लिए, ये अंदाजा लगाने के लिए उसने ये डिजाइन किया था। लेकिन ये जो मॉडल था वो काफी ज्यादा बायस था और उसने कई सारे निर्दोष लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि ये आगे जाके क्रिमिनल बन जाएंगे, रिसिडिविस्ट बन जाएंगे, तो ये सिस्टम जो था क्या था, वो बायस सिस्टम था। अच्छा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे उसे कमेंट्स में बता देना, और साथ में आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे आके देखना, तो आपको दोबारा देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली वो आराम से क्लियर हो जाएगी। अच्छा अब जरा और इसकी बायसेस की कहानियों की जरा बात करते हैं। तो पता है क्या हुआ था, एक बार अमेजोन में, अमेजोन ने क्या किया कि उसने भी अपना अमेजोन जो है ना कंपनी शॉपिंग ऐप, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना एक मॉडल डिजाइन किया जिसमें जो पूरा मॉडल था वो क्या करता था, वो कैंडिडेट्स की हायरिंग करता था। अब वहाँ पे जो हायरिंग वो करता था तो वहाँ पर देखा गया कि जो फीमेल्स अप्लाई कर रही थी तो उनका सिलेक्शन हो ही रहा था। जब उसको चेक किया गया तो वहाँ पता चला कि जो उसमें डेटा दिया गया था मॉडल को, वो दिया गया था पिछले 10-15 सालों का। अब वो जो डेटा था उसमें क्या जाता, जो हायरिंग हुई थी वो हुई थी मेल्स की हायरिंग, पहले वुमेन्स का इतना क्रेज नहीं था वुमेन्स को हायर करने का, लेकिन तब वहाँ पर मेल्स की हायरिंग हुई थी। अब मेल्स की अगर हायरिंग हुई है तो उस केस में क्या होगा, डेटा मेल्स का होगा, तो वो जो सिस्टम था उसने क्या किया, उसने फीमेल्स को वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, बहुत कम सेलेक्ट किया, और मेल्स को प्रेफरेंस दी। तो क्या ये बायस्ड नहीं है? बिल्कुल है, सेक्स के बेस पे, है ना, तो ये बायस्ड है ना। जरा इसको देखो, अमेजोन डेवलप्ड एन एआई रिक्रूटिंग सिस्टम। तो अमेजोन ने क्या किया कि उसने एक एआई रिक्रूटिंग सिस्टम डिजाइन किया, ठीक है। दिस मॉडल वॉज फाउंड डिस्क्रिमिनेटली अगेंस्ट वुमेन, है ना। तो उसने क्या किया, वो जो क्या कर रहा था, वो वुमेन्स के अगेंस्ट बायसिंग कर रहा था, क्योंकि उसमें डेटा जो था पुराना 10 सालों का था, है ना। अब यहाँ पे हम आगे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो गलतियाँ कर रहे हैं, ये सिस्टम मॉडल्स जो गलतियाँ कर रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अच्छा इसके पहले हम बात करते हैं जरा अपने थर्ड पॉइंट की। तो ये क्या कर रहे हैं, जो यूएस हेल्थ केयर था ना, वहाँ पे भी एक सिस्टम डिजाइन किया गया था
उसमें क्या होता था कि जो ब्लैक पीपल होते थे, ब्लैक यूएस में, आपको पता है कि यूएस में ना ब्लैक वाइट पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और अभी भी होता है। ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और अभी भी होता है। वहां पे माना जाता है कि जो व्हाइट लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, वो एक गुड फैमिली से आते हैं, एक रिच फैमिली से आते हैं और काफी ज्यादा सभ्य लोग भी होते हैं। लेकिन ब्लैक पीपल के बारे में मिथ ये है कि वो काफी ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफी कम सभ्य हैं, है ना, और एकदम बैड फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, आते हैं। तो यहाँ पे माना जाता है, अभी भी काफी जगहों पे अभी भी माना जाता है। तो हम बात करते हैं ना यहाँ पे इसका नाम क्यों है। तो यहाँ पे इसको इसलिए दिया गया है, पता है वहाँ पे क्या हुआ था एक बार, कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, सिस्टम जो था हेल्थ केयर का, उसने एक मॉडल डिजाइन किया जिसमें क्या था कि जो ब्लैक पीपल थे, ब्लैक, तो उनके जो रिस्क था बीमारी का वो कम कर दिया गया था, और व्हाइट जो पीपल्स थे उनका नॉर्मल आता था, जिनका जितना उनको रिस्क था उतना ही आता था, लेकिन ब्लैक जो पीपल थे उनका रिस्क जो था वो कम कर दिया गया था। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि देखो ब्लैक लोग हैं क्या है, वो पुअर है, बैड है। तो सच भी बात है, जो ब्लैक लोग होते हैं वहाँ पे वो पुअर भी होते हैं और बैड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब अगर कोई इंसान पुअर है और बैड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो क्या वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। वहीं पे कोई इंसान अगर वाइट है, मतलब वाइट यानी कि गुड फैमिली, रिच फैमिली, अगर इस कैटेगरी से कोई इंसान बिलोंग करता है तो अपना ट्रीटमेंट इजीली ले पाएगा, बहुत आसानी से। पर ऐसे तरीके के लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे, ब्लैक लोग जो होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया, इसमें क्या करते थे वो, जितने भी ब्लैक लोग हुआ करते थे उनकी जो प्रॉबर्टी हुआ करती थी बीमारी से, बीमारी की जो भी रिस्क हुआ करता था, रिस्क रेट, तो उसको वो कम कर दिया करते थे ताकि उनको लगे कि वो ठीक है और वो अपना आगे ट्रीटमेंट करिए और ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इतने, ठीक है। और इस बेसिस पे क्या करते थे वो, वहाँ पे बायसिंग करते थे। अब यहाँ पे हम देखें तो ये वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसी का खुद का ये हाथ था, हालांकि काफ़ी गलत चीज़ें हैं। अच्छा आप बताए नेक्स्ट फोर्थ। अब फेसबुक ने अपने एडवर्टीजमेंट एल्गोरिथम में इसको यूज़ किया, फेसबुक एड्स आप देखते हैं तो वहाँ पे इसमें फेसबुक ने इसका काफ़ी यूज़ किया, इसका फेसबुक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी अभी हो रहा है। अब 2019 में क्या किया फेसबुक ने, 2019 में फेसबुक ने लोगों को अलाउ कर दिया कि वो जैसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं वो वैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या मैंने कह दिया, ज़रा इसकी ज़रा बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आप ना, आप एक गर्ल हैं, आप एक सैलून रन करते हैं, करती हैं, है ना, जहाँ पे आप क्या करते हैं वहाँ पे आप फेशियल करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, है ना, और जितनी भी गर्ल्स से रिलेटेड जो भी होते हैं ना ब्यूटी पार्लर की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे नहीं पता, वो सारी चीज़ें आप करती हैं, है ना। अब वहाँ पे आप क्या करोगे, आप ना क्या चाहते हो कि आप उसकी टिप्स वगैरह भी देते हैं, आप उसकी ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी करते हैं, आप उसकी टीचिंग भी कराते हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐड चलाती हूँ फेसबुक पे। अब फेसबुक पे ऐड चलाऊंगी मैं अगर, तो उससे क्या होगा, मेरे पास वहाँ से लीड्स जनरेट होंगी। अब लीड्स क्या होते हैं, लीड्स यानी कि मेरे पास और लोग आएंगे दूर दूर से जो कि मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, जिससे कि मेरा जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। अब ऐसा होने से क्या होगा कि आप क्या कर पाएंगे, अब अगर आप फीमेल, तो आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर कोचिंग लेते हैं इन सब चीज़ों की वो फीमेल्स ही लेने वाली हैं आपसे। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगी, आप फीमेल्स को टारगेट करेंगी, है ना। अब मान लीजिए कि आपको अगर ऐड दिखाना है ब्यूटी पार्लर का, तो आप मेल्स को दिखाएंगी जो, क्योंकि उनको कुछ कराना नहीं है, पर फीमेल्स को दिखाएंगी क्योंकि उनको कुछ कराना है। तो आप क्या करोगे यहाँ से, आप यहाँ से सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करोगे और मेल्स को टारगेट नहीं करोगे, जिससे कि जो आप पैसा वहाँ पर पे करने वाले हो फेसबुक को ऐड के लिए वो भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो अब ज़्यादा इसको देखते हैं, तो अब इससे पता क्या हुआ, यहाँ पे फेसबुक अलाउड पीपल टू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन देयर रेस, रिलीजन एंड जेंडर, यानी कि उनका जो जेंडर है या फिर इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बेस्ड इनको टारगेट करने के लिए अलाउ कर दिया। अब ऐसा क्यों, अब इससे पता क्या हुआ, वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है उसमें ना आपको चाहिए सेक्रेटरी की जॉब या फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब, तो रिसेप्शनिस्ट पे हम ज़्यादातर किसको रखते हैं, फीमेल्स को। अब अगर फीमेल्स को रखते हैं तो क्या आप मेल्स को टारगेट करोगे या फीमेल्स को, फीमेल्स को तो करोगे, है ना। तो फीमेल्स को हम दिखाएंगे वो एड, जिससे कि फीमेल्स वहाँ पर अप्लाई करेंगी और उनको हायर कर लेंगे। लेकिन अगर आप मेल्स को दिखाओगे या फिर मिक्स सबको दिखाओगे तो उससे तो वो काफ़ी लॉस होगा आपको इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है, दिस लेड टू द जॉब लाइक नर्सिंग एंड सेक्रेटरी बींग टारगेटेड टू वुमेन। अब ये जो जॉब्स होती हैं ये फॉर
वुमेन्स को मिलने लगी। अब जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, जेनेटर्स हो गए, ये मेल्स को टारगेट होने लगी, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए। लेकिन हमने जो बाकी के तीन मॉडल्स पढ़े उनके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए, पर जो फोर्थ था वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा। अब होता है हमारा नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एंड मिटिगेटिंग एआई बायस। अब इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, हम कर सकते हैं थॉरो रिसर्च। तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक चीज़ की एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए और उसके ना एक जनरल रिजल्ट्स को और रिजल्ट को हमें पता करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारी रिसर्च अच्छी अगर होगी तो वो जो मॉडल की जो चांसेस हैं गलती करने के वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ टीम। अब मान लीजिए कि आपकी जो टीम है वो डिज़ाइन कर रही है मॉडल को, और वो 10 मेंबर्स की, और ये टीम ए आपकी कंपनी में, और ये जो सेकेंड टीम है वो भी 10 मेंबर्स की है, वो टीम बी है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो 10 मेंबर्स की टीम है ये पूरी बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से, और ये जो 10 मेंबर्स की टीम है इसमें ना एक मेंबर जो यूपी से, एक यूके से, एक जम्मू एंड कश्मीर से है ना, एक यहाँ पे हरियाणा से, एक यहाँ पे राजस्थान से, तमिलनाडु से, यानी कई तरीके कई स्टेट से, अलग स्टेट से यहाँ पे 10 के 10 लोग हैं। अब ज़रा मुझे आप थोड़ा सोच के बताइए कि अब इन दोनों ने ना क्या किया, अब ये जो सारे लोग हैं ना प्रॉपर सब बराबर स्किल्ड हैं, तो कौन सी टीम बेटर ए मॉडल डिजाइन करेगी, ए या बी? यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो सारे लोग हैं ना वो एकदम प्रॉपरली एकदम बराबर जो है स्किल्ड हैं। तो इसका आंसर ज़रा आप मुझे आप कमेंट बताइए। पर मैं आपको बताता हूँ, चलो आप सोच के दिमाग लगाइए और मुझे अपना आंसर कमेंट्स बताइए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, जो यूपी के लोग हैं उन्होंने जो जो मॉडल डिज़ाइन किया वो क्या होगा, उन सबके सोच के ऊपर बेस्ड होगा। लेकिन जो मॉडल जो बी ने डिज़ाइन किया है जिसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, अब वहाँ पर पता क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि है ना डाइवर्सिटी आएगी। अगर डाइवर्सिटी आएगी तो किसी एक जगह के पर्सनस का वहाँ पे कोई ज़्यादा मेजर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, है ना, नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, अनबायस यानी कि फेयर सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट, डाटा रिव्यू। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हम डेटा दे रहे हैं ए सिस्टम को, हम जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, तो उस डेटा को ना हमें प्रॉपर उसको हम एनालिसिस करके देना चाहिए, है ना। प्रॉपर हम उसकी अगर रिसर्च करते हैं तब उसको हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा हमें किसी कंपनी ने भेजा, उस वहाँ से हमने परचेस कर लिया, उसको हमने सीधा ए मॉडल में दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें उस डेटा की एकदम प्रॉपर रिसर्च चाहिए, तब उसको मॉडल को, उस डेटा को हमें आगे पास करना चाहिए अपने मॉडल में। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे जो हमारा डेटा मॉडल है उसमें जो डेटा जा रहा है वो काफ़ी प्रॉपर जाएगा, और जो हमारी चांसेस हैं उस सिस्टम के बायस होने के वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, जो सिस्टम है उसकी ना प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी रेगुलरली कि वो बायसिंग तो नहीं कर रहा है ना। अगर ऐसा करते हैं तो इससे भी उसकी चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है कि जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स डेटा होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आप यूपी यूपी का डेटा दे रहे हो, ऐसा नहीं, आपको पूरे भारत का या पूरे वर्ल्ड का वहाँ पर डेटा देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो एआई मॉडल है वो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो अब आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं यहाँ पे एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की एंड डिसएडवांटेजेस की ऑफ एआई की, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ एआई रिड्यूसेस एनी ह्यूमन एरर। पता है हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एआई मॉडल को डिज़ाइन किया और वो कोई स्पेसिफिक टास्क को कर रहा है, अगर आपने डिज़ाइन किया वो किसी टास्क को कर रहा है तो वहाँ पे पता क्या होगा, जो ह्यूमंस के द्वारा एरर होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो यूजेस ऑफ एआई रिड्यूस इन ह्यूमन एरर, कि जो ह्यूमंस की एरर है उनको ये रिड्यूस काफ़ी ज़्यादा कर देता है, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसका एडवांटेज, यूज ऑफ एआई हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिपीटेटिव वर्क। अब मान लीजिए कि आपने ना, आप क्या कर रहे हैं, आप एक वेबसाइट वहाँ पे बना रहे हैं। अब वेबसाइट की जो बेसिक चीज़ें हैं कि फॉर्म वगैरह हो गया, फॉर्म बनाना है ना, उस पर पॉपअप्स बनाने या फिर चेकबॉक्स बनाने, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे पता क्या होगा, ये जो वर्क है ज़्यादातर सारी वेबसाइट्स में कॉमन होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप कोई ऐप डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे साइनअप साइनिंग वगैरह इस चीज़ वहाँ पे कॉमन होती हैं, तो अगर आप यहाँ पे बार बार उसको लिखेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो आप भी करेंगे, ये जो वर्क है ये आप दे देंगे एआई को, जिसको एआई खुद कर देगा, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है,
AI टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड्स डिजिटल असिस्टेंट्स, है ना। अब जो AI की टेक्नोलॉजी वो हमें क्या करती हैं, जो डिजिटल असिस्टेंट होती है वो हमें प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी क्या है, बेनिफिशियल है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट। अब जो AI टेक्नोलॉजी वो क्या करती है, हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट और मोर एक्यूरेट होने में भी हेल्प करती हैं। कैसे? अब जो रिपीटेटिव वर्क है वो अगर AI कर रहा है तो हम वो टाइम हमारा बच गया, और साथ में अब यहाँ पे हम क्या हो गए, यहाँ पे फास्ट हो गए। अब AI ने किया तो उसमें चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि AI को उसे काम कराना, यहाँ पे AI से काम करना कैसा हो गया, जैसे हम गधे को बता देते हैं कि आपको ऐसे होके जाना है। मान लीजिए कोई गधा है, जब किसी सामान को उसके पीठ पर लाद देते हैं और उसको हम एक बार रास्ता दिखा देते हैं, आपको ऐसे जाना है, मतलब गधे को ऐसे जाना है, तो वो उसी रास्ते को फॉलो करता है। ऐसे ही अगर हमने AI मॉडल को बता दिया कि आपको ऐसे वर्क करना है, तो वो सेम उसी वे को फॉलो करेगी और उस वर्क को करेगी। तो यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये काम फास्ट भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी होगा, है ना। अच्छा, आप बताए नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ AI। आप पता है यहाँ पे क्या होगा, अब AI का ना काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे मिसयूज भी किया जाता है, स्पेशली इन डीप फेक टेक्नोलॉजीज। आपने सुना भी होगा कई सारे एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का, या फिर लोगों के फेक फोटोज या फिर वीडियोस बना के वायरल किए जाते हैं, जिससे कि उनसे मोटी रकम ली जा सके, है ना, जिससे कि उनको डिफेम किया जा सके। तो यहाँ पे AI का काफ़ी बड़े लेवल पर मिसयूज हो रहा है। आप पता है जे AI का जब से यूज़ आया है, तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिकल AI बेस्ड प्रोडक्ट्स, अब जो AI बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनकी काफ़ी कमी भी आ गई है। अच्छा, इसके बाद ह्यूमंस देखो, अब ह्यूमंस क्या करेंगे, अगर ह्यूमंस अगर कोर्स नहीं लिखेंगे, या फिर जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि ह्यूमंस की जो जॉब्स हैं कंटेंट राइटिंग वगैरह की, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं। अब वो अगर रिड्यूस हो गई हैं तो नए लोग उसको सीखेंगे नहीं, और अगर सीखेंगे नहीं तो ह्यूमंस का यहाँ पे स्किल लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना, स्किल लॉस हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू है। ऐसे ही अब अगर आप क्रिएटिव वर्क नहीं करोगे, क्रिएटिव वर्क आप सौंप दोगे AI को, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी, तो ये भी यहाँ पे क्या है इसका डिसएडवांटेज। और दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, और आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना, मैं उसको सॉल्व करने में आपको मदद करूंगा। और गाइस, अगर आपको इशू होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको कोई भी इशू होता है तो आपको मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्रोफाइल में जाएंगे अपने चैनल की, वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पे आके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे लिंक्डइन पे, और मैं आप पे आपको वापस कॉन्टैक्ट से जरूर करूँगा। तो मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।